क्वाड समिट में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के दौरान सर्वाइकल कैंसर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कैंसर की रोकथाम के लिए $7.5 मिलियन के पैकेज और 4 करोड़ वैक्सीन डोज की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा है कि ये 4 करोड़ वैक्सीन डोज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेंगी। साथ ही पीएम मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का फॉर्मूला भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपना टीका भी विकसित किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नए उपचार प्रोटोकॉल भी पेश किए जा रहे हैं। भारत अपने अनुभव और विशेषज्ञताओं के साझा करने के लिए तैयार है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना चला रहा है और सभी को सस्ती कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए विशेष केंद्र भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल में 9वीं बार अमेरिका दौरे पर हैं। शनिवार को पीएम मोदी डिलीवर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज और जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ क्वाड समिट में शामिल हुए थे। इस दौरान दोनों सभी देशों के बीच दुनिया में शांति और विकास को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से उनके होम स्टेट डेलावेयर स्थित आवास में जाकर मुलाकात की और इस दौरान बाइडेन ने मोदी को गले लगाकर स्वागत किया और इसके बाद बाइडेन और मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई जो 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। इससे पहले अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट से होटल तक जोरदार स्वागत हुआ। अफोर्डेबल एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। कोविड पैंडेमिक के दौरान हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था और मुझे खुशी है कि क्वाड में हमने सर्वाइकल कैंसर जैसे चैलेंज का मिलकर सामना करने का निर्णय लिया है। इन कैंसर केयर कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर क्योर। कैंसर का बर्डन कम करने के लिए प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है। भारत में मास स्केल पर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चला रहा है और सबको एफोर्डेबल कॉस्ट पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेंटर्स भी बनाए गए हैं। भारत ने सर्वाइकल कैंसर के लिए अपनी वैक्सीन भी बनाई है और एआई की मदद से नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी शुरू किए जा रहे हैं। एक्सलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। एज यू कैन सी व्हेन द क्वाड एक्ट्स, इट इज नॉट जस्ट फॉर नेशंस, इट इज फॉर द पीपल। This is the true essence of our human-centric approach.
अमेरिका में फिर बजा मोदी मोदी का डंका। क्वाड समिट में दिखी मोदी बाइडेन की केमिस्ट्री। बाइडेन ने किया स्वागत, मोदी ने लगाया गले। पीएम मोदी इस वक्त 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन जैसे ही अमेरिका के डेलावेयर शहर में उतरा, पूरा शहर मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगा। डेलावेयर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया, सभी के साथ गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। अमेरिका में बसे भारतीय अपने हाथों में भारत की विकास गाथा को संजोए पेंटिंग लेकर पहुंचे थे, तो कोई मिशन चंद्रयान की तस्वीर लिए हुए था। पीएम मोदी ने सभी से बात की, कुछ पेंटिंग पर प्रधानमंत्री ने ऑटोग्राफ भी दिए। वहीं एयरपोर्ट के बाहर घंटों से अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे लोगों को भी पीएम मोदी ने निराश नहीं किया। पीएम मोदी उनसे भी दिल खोलकर मिले। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला जैसे ही होटल ड्यू पॉइंट पहुंचा, पूरा होटल मोदी मोदी के नारे से गूंजने लगा। किसी ने मोदी को फूल दिया, किसी ने पैर छुए, तो किसी ने सेल्फी ली। इस दौरान पीएम मोदी का अमेरिका में बसे लोगों ने गुजराती नृत्य कर स्वागत किया। पीएम मोदी अमेरिका क्वाड समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यहां भी प्रधानमंत्री मोदी की इंटरनेशनल लीडर वाली इमेज दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कामयाब रहा है। क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक रणनीतिक गठबंधन है। इसका लक्ष्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्वाड की मजबूती से दुनिया की मजबूती का संदेश दिया। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। क्वाड समिट ऐसे समय में हो रहा है जब चीन का बढ़ता दबदबा, रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था की अस्थिरता पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्वाड समिट के लिए पीएम मोदी कितने अहम हैं, ये बैठक से पहले तस्वीरों में भी दिखा। जैसे ही पीएम मोदी समिट के लिए पहुंचे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद बाहर निकलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने आए। बाइडेन ने आगे बढ़कर मोदी को गले लगाया। वहीं जब क्वाड लीडर्स का फोटो सेशन हुआ तो मोदी के ठीक बगल में बाइडेन खड़े थे। बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा। अमेरिका को पीएम मोदी से इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर काफी उम्मीद है, जिसकी झलक पीएम मोदी के समिट के दौरान दिए संदेश में साफ दिखा। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद के साथ देख रही है। पीएम मोदी के शांति संदेशों को दुनिया सिर आंखों पर रख रही है। 2025 में क्वाड समिट भारत में होगा, जिसको लेकर अभी से क्वाड नेताओं का जोश हाई है। Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well.
unlike some international forums, the Quad is not, it doesn't have a long history. That means it's not defined by tradition, but it also means it's not confined by it. It means that as it develops, it can evolve. And that is, I believe, what is happening. We represent in this region the fastest growing region of the world in human history. With that comes enormous opportunity, but also come some challenges. अमेरिका के डेलावेयर में हो रहा क्वाड सम्मेलन भारत के लिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का मौका है बल्कि ये एक रणनीतिक कदम भी है जो भारत की सुरक्षा आर्थिक विकास और वैश्विक स्थिरता में योगदान देगा। वहीं क्वाड बैठक से पहले पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने पहुंचे। इस दौरान जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जो बाइडेन पीएम मोदी की कार के पास पहुंचे और उनका स्वागत किया तो मोदी ने भी अपने दोस्त को गले लगाने में देर नहीं लगाई। दोनों नेता खुले दिल से एक दूसरे के गले मिले। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के साथ बैठक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, घनिष्ठ और अधिक गतिशील है। प्रधानमंत्री मोदी, जब भी हम मिलते हैं मैं सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजने की हमारी क्षमता से प्रभावित होता हूं। आज भी कुछ अलग नहीं था। पीएम मोदी आज न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के बीच होंगे जहां से वो पूरी दुनिया को भारत के विकास और विश्वास का संदेश देंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में बसे भारतीयों में खासा जोश दिख रहा है। अमेरिका में रह रहे लोगों को उम्मीद है कि दुनिया के सबसे फेमस लीडर नरेंद्र मोदी यहां से पूरी दुनिया को शांति और आपसी भाईचारे का संदेश देंगे।